हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर गुड। हमारा थर्ड चैप्टर कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, जिसका आधा हमने देख लिया है। आई होप आप सभी ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। आज का हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ वंस एंड टेंस। रूल्स। फर्स्ट, द नंबर हैविंग मोर डिजिट इज ऑलवेज ग्रेटर देन द नंबर विथ लेस डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल 11 एंड 9। क्या कहा है रूल नंबर फर्स्ट में? द नंबर हैविंग मोर डिजिट्स। मोर डिजिट्स का मतलब क्या है? डिजिट्स का मतलब क्या है? 1 to 9 तक की जो नंबर्स होते हैं वो किस में आते हैं? वो आते हैं वंस में। 10 से लेके 99 तक के आते हैं टेंस में। मोर डिजिट्स मतलब जिसमें ज्यादा नंबर है, जैसे कि 10 से लेके 99 तक है वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल 10। 10 में कितना डिजिट है? 1 and 2। 2 डिजिट नंबर है ये। 9 क्या है? 9 क्या है? 1 डिजिट नंबर है। 1 डिजिट क्यों है? क्योंकि नंबर क्या है? एक ही है। यहाँ पे कितने नंबर है? 1 and 2। तो ग्रेटर कौन होगा? 2 डिजिट नंबर। 1 डिजिट नंबर क्या होगा? स्मॉल होगा। 11 और 9 में ग्रेटर कौन है? 11 ग्रेटर है। क्यों ग्रेटर है? क्योंकि 11 क्या है? 2 डिजिट नंबर्स है। 2 डिजिट नंबर्स है ये। सेकंड रूल क्या है? इफ द नंबर ऑफ डिजिट्स इज द सेम इन टू नंबर्स, द नंबर हैविंग ग्रेटर टेंस डिजिट इज ग्रेटर। सेकंड रूल में क्या है? अगर डिजिट्स सेम है, सेम डिजिट का क्या मतलब है? इधर भी एक है और इधर भी एक है, या इधर भी टू नंबर्स है और इधर भी टू नंबर्स है, तो ज्यादा ग्रेटर कौन होगा? जिसके टेंस में ज्यादा नंबर होगा। टेंस में ज्यादा नंबर का क्या मतलब है? जिसका टेंस ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहां पर क्या है? 21 है। वंस और टेंस, 9 और 8 में कौन ग्रेटर होगा? 9 ग्रेटर होगा, ये तो हमको पता ही है। क्यों ग्रेटर होगा? क्योंकि 9 8 के बाद आता है। नेक्स्ट क्या है? टेंस एंड वंस, हम लिखेंगे 10 and 21। जिसके टेंस में ज्यादा नंबर का, ज्यादा ग्रेटर डिजिट जो होगा, ग्रेटर नंबर होगा, वो क्या होगी? वो जो नंबर है वो ग्रेटर होगा। 1 and 2। 1 and 2 में ग्रेटर कौन है? 2 इज ग्रेटर, तो 21 इज ग्रेटर देन 10। नेक्स्ट रूल है, इफ द 10 डिजिट्स आर सेम इन टू नंबर्स, द नंबर हैविंग ग्रेटर वन डिजिट इज ग्रेटर। नेक्स्ट क्या कहना चाह रहा है ये? अगर डिजिट सेम नंबर्स है, सेम नंबर की डिजिट्स है। सेकंड रूल में क्या था? डिजिट्स सेम है बट नंबर क्या है? अलग अलग है। लेकिन अगर नंबर भी सेम हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ 21 है एंड यहाँ क्या है? 22 है। इसमें हम कंपेयर कैसे करेंगे कि कौन ग्रेटर है? टेंस एंड वंस, 2, 1 and 2, 2। टेंस क्या है? सेम है, तो हम क्या देखेंगे? वंस देखेंगे। वंस में जो ग्रेटर है वो नंबर क्या होगा? ग्रेटर होगा। 1 और 2 में ग्रेटर कौन है? 2 इज ग्रेटर, तो 22 इज ग्रेटर देन 21। पुट दिस, दिस और दिस बिटवीन द नंबर्स, हम पहले ही बात कर चुके हैं ये क्या है? ग्रेटर, स्मॉलर एंड इक्वल। 7 and 10, हमने फर्स्ट रूल में क्या पढ़ा था? टू डिजिट्स नंबर जो है वो वन डिजिट से क्या है? ग्रेटर है, तो सिंबल क्या आएगा? 10 इज ग्रेटर। यहां भी क्या है? 9 and 11, टू डिजिट नंबर्स इज ग्रेटर। 12 and 9, टू डिजिट नंबर। यहां क्या है? सेकंड रूल में हमने देखा था 14 and 27। 14 एंड 27 में हम कैसे देखेंगे कौन ग्रेटर है? 14 एंड 27 में हम देखेंगे टेंस का नंबर 1 एंड
टू, ग्रेटर कौन है, टू ग्रेटर है। 51 एंड 59 टेंस क्या है, सेम है। थर्ड रूल के हिसाब से हम क्या देखेंगे, वंस देखेंगे, वन एंड नाइन, नाइन इज ग्रेटर। 71 एंड 61, 71 इज ग्रेटर। 64 एंड 28, 6 एंड 2, 6 इज ग्रेटर। 9 एंड 8, 9 इज ग्रेटर। 72 एंड 72 आर इक्वल। नेक्स्ट है 82 एंड 91, 82 एंड 91, 8 एंड 9, 9 इज ग्रेटर। 23 एंड 13, 2 और 1 को कंपेयर करेंगे तो 2 इज ग्रेटर। 21 एंड 19, 2 एंड 1, 21 इज ग्रेटर। 33 एंड 35, 33 सेम है तो 3 और 5 को देखेंगे, कंपेयर करेंगे तो कौन ग्रेटर है, 5। 40 और 52 में ग्रेटर कौन है, 4 एंड 5 को हम कंपेयर करेंगे तो 52 इज ग्रेटर। 50 एंड 60, 60 इज ग्रेटर। 45 एंड 45 आर इक्वल। 48 एंड 51, टेंस एंड वंस के हिसाब से हम देखते हैं, 4, 8 एंड 5, 1। वंस क्या है, 8 और 1, टेंस क्या है, 4 एंड 5। 4 एंड 5 में ग्रेटर कौन है, कौन बाद में आने वाला नंबर है, 5। 5 का है ये रहा, 51 इज ग्रेटर। 93 और 85 टेंस देखेंगे, 9 एंड 8, 9 इज ग्रेटर। नेक्स्ट 81 एंड 18, 81 इज ग्रेटर। 89 एंड 89 आर इक्वल। ये क्या करेंगे, आप अपना होमवर्क करेंगे और इसको क्या करेंगे, आप अपने हिसाब से करेंगे, जैसा आपको यहाँ पे दिखाया गया है इसको देख के आप क्या करेंगे, ये वाला करेंगे सॉल्व अपनी होमवर्क की नोटबुक में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर। सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, 1, 2, 3, 3 स्मॉलर, 4, 5, 6, 7, 7 भी आ गया, तीनों आ गए। 8, 9, 10, सबसे बड़ी नंबर कौन सा है, यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है 10, तो 10 को क्या करेंगे, 10 को सर्किल करेंगे क्योंकि ये क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर है। 14, 19, 69, 22, टेंस एंड वंस आप ऐसे भी देख सकते हैं, क्या करना है हमें, 14। नेक्स्ट है 19, 16 एंड 22, टेंस में देखेंगे 2 इज ग्रेटर, बाकी 3 क्या है, 1 है, 2 क्या है, ग्रेट है। 22, 48, 44, 61, 78, 99 एंड 100, ये क्या है, ग्रेटर नंबर है। स्मॉल नंबर, स्मॉलर नंबर को, स्मॉलेस्ट नंबर को हमको क्या करना है, सर्कल करना है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है यहाँ पे, 1। सबसे पहले आने वाला जो नंबर है इन चार में से वो क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, और ग्रेटेस्ट नंबर जो सबसे बाद में आता है वो क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर। 11, 18, 13 और 32 में सबसे पहले आने वाला नंबर है 11। नेक्स्ट 37, 48, 20 एंड 41, 20 इज स्मॉलेस्ट। 28, 44, 26 एंड 42, 26 इज स्मॉलर। 84, 49, 91 एंड 92, 49 इज स्मॉलर। 56, 78, 80, दिस दिस एंड दिस। ये एक्सरसाइज भी क्या करेंगे, आप अपनी नोटबुक में उतारेंगे, कैसे, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है, आपको बिल्कुल सेम का सेम ही करना है, लेकिन आपको इसको समझ के करना है। क्विक रिकॉल इन अ फॉर्मेटिव वे,
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. द शेप ऑफ अ फुटबॉल इज लुकिंग लाइक अ कॉन, सिलेंडर, स्फीयर और क्यूब. आंसर इज सी, स्फीयर. लोवी, मोना एंड सोनी आर सिटिंग इन अ रो. सिटिंग इन अ रो, 1, 2, 3. कितनी गर्ल्स हैं यहाँ पे? 3. लोवी, मोना एंड सोनी. लोवी इज सिटिंग बिटवीन मोना एंड सोनी. किसके बीच में बैठी है लोवी? सोना और मोनी. बिटवीन के बिटवीन का मीनिंग क्या था? बिटवीन का मीनिंग हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा है. टू नंबर्स के बीच में जो नंबर आता है वो क्या होता है? बिटवीन कहलाता है. बिटवीन अगर किसी नंबर को कहना है, 1 and 2. 3 इज बिटवीन 1 and 2. तो लोवी कहाँ है? लोवी मोना और सोनी के बीच में है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? लोवी कहाँ बीच में है? लोवी यहाँ बीच में है, तो सी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, रोहन एंड मोनिका आर प्लेइंग अ गेम. रोहन और मोनिका क्या कर रहे हैं? गेम खेल रहे हैं. मोनिका आस्क्ड रोहन टू मूव 2 steps अवे फ्रॉम हर. मोनिका से 2 steps अवे होना है किसको? रोहन को. इफ रोहन इज ऑन 7th step, रोहन कहाँ है? 7th step पे है. देन वेयर विल ही बी आफ्टर मूविंग? रोहन मूव करेगा तो कहां पे होगा? मोनिका ने क्या बोला है उसको? 2 step इससे दूर जाना है. रोहन कहां पे है? 7th position पे है. रोहन आएगा 1 and 2. 2 steps चलने पे वो कहां आ जाएगा? 9th position पे. 9th position कहां है? 9th step. नेक्स्ट, Which of the following shows correct descending order? Descending order का मतलब क्या है? Decreasing order, यानी कि घटते क्रम में. मतलब कि जो नंबर है, जैसे कि backward counting करते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? Descending order. 10, 9, 8, 7, 6. ये क्या है? Descending order है. यहाँ पे कहाँ है? 10, 12, 13. ये क्या है? Ascending order है. 10, 9, 8, 7 ये क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है. बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है, गिवन 2 baskets शो द नंबर ऑफ एप्पल्स. विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट? येलो बास्केट हैज मोर एप्पल देन रेड बास्केट. यहां पे कितने एप्पल है? 1, 2, 3 and 4. यहाँ पे कितने हैं? 1, 2, 3 and 4. इक्वल है 4 and 4. नेक्स्ट क्या है? रेड बास्केट हैज मोर एप्पल देन येलो बास्केट. रेड बास्केट में एप्पल ज्यादा है? नहीं. येलो बास्केट में एप्पल ज्यादा है? नहीं, बहुत. रेड एंड येलो बास्केट्स हैव इक्वल एप्पल. दोनों में इक्वल एप्पल है? हाँ, इक्वल एप्पल है. रेड बास्केट हैज लेस एप्पल देन येलो बास्केट? नो. करेक्ट आंसर क्या है? सी इज द करेक्ट आंसर. वाई? क्योंकि दोनों बास्केट में एप्पल्स कितने हैं? 4 and 4. योर 3rd chapter इज कंप्लीट. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. अपने क्वेश्चन आंसर को क्या करना है आपको? ये जो आपकी क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको अपनी होमवर्क में, होमवर्क की नोटबुक में करना है. आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे. और आपकी जूम क्लास में आपको क्या करना है? अपना होमवर्क दिखाना है, इसलिए आपको घर पे अपना होमवर्क करना होगा. अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अदरवाइज आपको क्या करना है? अपना पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है घर पर, और सेफ रहना है. थैंक यू.